बसंती के कपड़े फाड़े। वो बसंती जो चाची है, चाची भी एक माँ जैसी होती है, क्या ललित इतनी गंदी हरकत कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UKRPL। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे मालूम है ललित और ललित की पूरी फैमिली, क्योंकि ललित को बुलाया गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है ललित और ललित की पूरी फैमिली, जैसे कि ललित को बुलाया गया है दिल्ली से, जब इनके यहाँ बवाल हुआ था उसके बाद बुलाया गया। जैसे कि अनीता जी ने आरोप लगाया था कि 5-6 लोग मिलके अनीता जी को और लाला जी को मारे थे और जो घर के सामने कुआं है उसमें डाल रहे थे। उसके बाद फिर 19 तारीख जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन अनीता जी के ऊपर आरोप लगाई हैं बसंती जी। उन्होंने कहा है कि पांचों लोग मिलके, 5 लोग में हैं ललित हैं और ललित के बड़े भाई हैं और उसके पिता हैं, उसकी बहन है, उसकी माँ, यानी 5 लोग मिलके बसंती जी को मारे वहीं पे जहाँ उनके दादाजी सोते हैं, जहाँ पे बेड है दादाजी का वहीं पे मारे। और दादाजी उस समय घर के बाहर थे, मारे, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको मारे हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई जब ये लोग थाने में गए। जैसे कि आपको पता है लाला जी के ऊपर कुछ आदमियों ने उनके ऊपर मारने के लिए मारे उनको और कुएं में उठा के डालने जा रहे थे। तो वहाँ पे जो है ये लोग क्या किए कि केस किए, जो ललित है, ललित की फैमिली है जितनी, वो जाके पुलिस स्टेशन में जाके केस की। जब केस किए तो बसंती की तरफ से पता चला कि ये लोगों ने केस किया, तो उल्टा बसंती ने इनके ऊपर केस किया कि ललित और ललित की पूरी फैमिली जो मिलके मुझे मारी है और मेरे कपड़े फाड़ दी है, इतना मुझे मारी है। तो ये तो बात हुई। तो ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और दूसरी बात आप लोगों से बता दूँ कि जो इसके यहाँ यानी कि एक दिन पहले 23 तारीख को ललित के यहाँ, क्योंकि ललित और बसंती एक ही घर में रहते हैं, बसंती नीचे रहती हैं और ललित की फैमिली यानी अनीता जी की फैमिली ये ऊपर रहती हैं। बसंती पहले अपनी सास की सेवा करती थी, फिर उसके बाद अपने ससुर की सेवा करती है। उसका बसंती का पति नहीं है दीपक, दीपक बहुत पीते थे, दीपक नाम था उनके पति का, वो बहुत पीते थे और चीज सामान सब बेच देते थे। लोग बाग कहते थे कि बसंती और बसंती के बच्चे मिलके दीपक को मारते हैं। तो दोस्तों, ये उन लोगों को पता है, उन लोगों से पूछिए जिनके घर में कोई शराबी हो और शराबी इस तरह का हो कि घर का सारा सामान बेच दे, यहाँ तक कि जब उसे पैसे नहीं मिलते, पैसे और शराब की जब लत लगी रहती, नशे का भूत चढ़ता है, तो घर का आटा दाल चावल तक बेच देते हैं। दोस्तों, मैं जहाँ रहती हूँ यानी कि मैं अपने मायके की बात बताती हूँ, मेरे घर के बगल में 2 ऐसे शराबी थे कि उन्होंने अपने घर का, अपनी बीवी को मारना, अपने बच्चों को मारना, उनका एक लड़का था, लड़का तो बाहर रहता था, मगर अपनी बच्चियों को मारना, मार पीट के, और कैसे भी करके वो रात गुजारती थी, कहीं इनके घर में, कहीं उनके घर में, कहीं उनके घर में। वही हाल बसंती का भी था, क्योंकि बसंती के जो पति थे वो बहुत ज़्यादा पीते थे, कभी नाली में पड़े, कहीं कहाँ पड़े, कभी इनसे मारा पीटी किया, कभी उनसे। तो बसंती, बसंती का बेटा और बसंती की बेटी तीनों मिलके उनको ढूंढते थे, रात में लेके आते थे, और जब फ्रेश मूड में रहते थे तो बसंती के साथ काम भी करवाते थे घर का, बसंती ने अपने साथ अपने ब्लॉग में बताया है। तो दोस्तों, एक बात तो सच है, जिसका पति अगर वो शराबी हो, कुछ भी हो, अगर इस जगह बसंती के पति अगर जिंदा होते तो जो जैसे उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आज बसंती अकेली नहीं होती। बसंती अपने घर का काम करती है, अपने बच्चों का केयर भी करती है, खेतों का काम करती, अकेली एक औरत है, अपना घर संभाले हुई है। और अगर कुछ घर में थोड़ा सा कुछ होता है, बंटवारे को लेके या जगह ज़मीन को लेके,
तो उसका तो पति नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है अपने मायके वालों को, अपने भाई को बुलाएगी और या अपने बहन के लड़कियों को बुलाएगी, जिसको सोचेगी कि अच्छा सक्षम है, क्योंकि बसंती के बच्चे अभी छोटे हैं। बेटा भी इतना उसका बड़ा नहीं है और ना ही बेटी उसकी। और इधर जो लाला जी की फैमिली है, लाला जी की फैमिली में उसके तीनों बच्चे बड़े हैं। आई थिंक हमको लगता है एक दो, एक बड़ा वाला तो ग्रेजुएशन वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है, छोटा वाला वो भी शायद, और जो उसकी बेटी है वो भी पढ़ी लिखी है। तो इसकी फैमिली सब सक्षम है और ये ज़्यादातर दिल्ली में ही रहते हैं, लाला जी और लाला जी की वाइफ यानी अनीता जी और साथ में उनके बच्चे, ये लोग सक्षम है, इनके पास हर एक चीज़ है। बसंती बेचारी गरीबी, उसका घर कैसे चलता हुआ, उसके पाँच पाँच चैनल थे इन लोगों ने डिलीट करें। बसंती जी का आरोप है कि मेरे पांच चैनल इन लोगों ने डिलीट किए, विद प्रूफ के साथ उसने दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट लगवाए हैं उसमें, जिसमें आया था कॉपीराइट शायद स्ट्राइक वगैरह थी, जिसकी वजह से उसके उसके चैनल गए हैं। तो दोस्तों यहाँ तो ये बात हुई, और इन लोगों का कहना उसी दिन, हाँ जब इसके घर पे चार पांच लोग आए थे और ये लाला जी के पास फोन भी किए थे, लाला जी को बुला रहे थे कि आप नीचे आओ, हम लोग समझौता करेंगे बाद में, तो जो ललित है, ललित ने 112 पे कॉल करके तुरंत पुलिस वालों को बुलाया। और पुलिस वालों को बुलाने के बाद, पुलिस वालों को जब बुलाया और कहा कि बताइए देखिए ये लोग क्यों आए मेरे घर, किस कारण से आए हैं, 10 लोग हैं, ये किस वजह से आए, क्या हम लोगों को मारने के लिए आए हैं या फिर किस वजह से ये औरत बुलाई है, ऐसा करके और पुलिस वालों से, और फिर जाके थाने में जो भी इन लोगों का हुआ, FIR भी हुआ। इधर बसंती की फैमिली चाहती है चलो ठीक है, जो भी गलती जिसकी भी तरफ से हुई चलो समझौता कर लें, मगर इधर लाला जी की जो फैमिली है वो समझौता के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं, लाला जी के बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि लाला जी तो सीधे हैं मगर उनके बच्चे तेज हैं, लाला जी के बच्चे कह रहे हैं नहीं हम समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम आज समझौता कर लिए तो, अगर आज मेरे पापा और मम्मी को आप लोग मारना चाहते थे, कुएं में डालना चाहते थे पापा को, तो अगर आज समझौता कर लिए तो कल को आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उनके बच्चों का कहना है। दोस्तों दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बसंती, और बसंती को गाली बहुत ज्यादा उसके उसके लाला जी की फैमिली से उनके बच्चे दे रहे हैं कि ये औरत इतनी गंदी है, इतने नीचे तक गिर जाएगी कि कहाँ नहीं जा सकता, और इसने बताओ इतने ज़्यादा आरोप लगाए, काम भी करे। उधर बसंती का कहना है कि मेरे भाई ने कहा तुम्हारे ऊपर मारा पीटी जो हुई है उसकी समझौता के लिए हम आए थे, कि चलो ठीक है बैठ के समझौता कर लेते हैं, मगर ये लोग उल्टा केस को बढ़ा रहे हैं। और उसके भाई ने कहा था, जैसे कि लाला जी की फैमिली को कहने का है कि तुम जब रोज़ वीडियो बनाती हो तो अपनी वीडियो में ब्लॉग में क्यों नहीं बताया कि हमें इतना ज़्यादा मार मिली और हमें इतनी ज़्यादा चोट है। तो इधर बसंती का कहना है कि मेरे भाइयों ने मना किया था कि तुम जो ये बात कि कपड़ा फाड़ के निर्वस्त्र करके मेरे मतलब जेठ के लड़के ने और सब लोगों ने मिलके मुझे मारा है, ये घर की बात है, इसको इसको वीडियो में मत डालो, इसको वैसा ना करो, नहीं लोगों की क्या थिंकिंग रहेगी, ऐसा बसंती जी का कहना है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ऊपर जो बीता वो मैं ढिंगोरा पीटूं और सबको बताऊं, ताकि और मैं मतलब सामने वाला बंदा और क्या सोचे, ऐसा बसंती जी का कहना है। और दोस्तों यहाँ पे जो अनीता जी हैं, अनीता जी कह रही और उनके बच्चे कह रहे हैं ये सब झूठ है, अब केस और भी ज़्यादा होगा, बसंती का मेडिकल भी करवाएंगे, क्या ये सच है कि झूठ है। तो दोस्तों रही बात कपड़ा फाड़ने की, तो दादाजी से पूछा गया कि दादाजी भाई मौजूद रहते, दादाजी थोड़े से उसमें दादाजी वहीं पे रहते हैं, तो दादाजी को जब बुलाया गया, दादाजी से पूछता, क्योंकि दादाजी शायद वो विकलांग हैं क्या भी हैं, पैर से या किसी चीज़ से दिक्कत है, क्योंकि बसंती और बसंती की बेटी अक्सर दादाजी की सेवा करते हुए दिखते हैं। बसंती की बेटी दादाजी को नहलाती है मल मल के, उनके जो बेड के कपड़े वगैरह सब चेंज करते हैं। देखो एक ही
इधर देवरानी और जेठानी का मामला है, सगे भाई भाई का मामला है, एक छोटा भाई नहीं है, क्या बड़े भाई को संतोष नहीं करना चाहिए? छोटे भाई का सहयोग करना चाहिए, उसके पास पैसे नहीं, उसके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे सक्षम हो गए, तुम्हारा भाई नहीं है। और दादाजी, दादाजी यहाँ पिस रहे हैं इस वजह से क्योंकि दादाजी के, देखो एक बड़ा बेटा एक छोटे बेटे की फैमिली, दादाजी को तो मतलब दोनों बच्चों से प्यार है, दोनों लोगों से लगाव है, और कल को जब अनीता लोग चली जाती हैं दिल्ली तो कौन देखता है, बसंती ही देखती है ना उनको, तो दादाजी तो भाई उसी के साथ में रहेंगे। मगर दादाजी से जब पूछा गया कि तुम बताओ क्या बसंती को मारा गया, बसंती को मारे हैं हमारे बेटे ने, तो दादाजी ने कहा मैं बाहर था, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं तब भी उनके बच्चे कह रहे थे कि तुम्हें तो पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी बहनें आई थी, तुम तो राखी बांधे थे, ये है वो, यानी दादाजी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को लगता है कि बसंती के ऊपर बहुत सारे जो आरोप लगे हैं वो सही हैं? क्या बसंती ने क्या जो आरोप लगाए कि हमारे कपड़े फाड़े गए, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, तो ये सही है? बसंती ने और उनके जो बच्चे हैं उनका कहना है कि अगर इनको मारा गया पीटा गया तो ये तो सब्जी काट रहे हैं, तो घर का काम करें, खेतों का काम करें, कैसे कर रहे हैं खेतों का काम? तो दोस्तों हो सकता है कि मारने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मारा गया हो, थोड़ा बहुत मारा गया हो और कहीं इधर उधर के कपड़े फटे हो, ये भी तो हो सकता, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में अक्सर क्या होता है, छीनी झिपटी होती है, मारा पीटी होती है, तो थोड़ा बहुत मार पड़ा होगा और यहाँ कहीं के कपड़े फटे होंगे, ये हो सकता है। और रही बात बसंती की, तो वाकई में बसंती को देखने से लगता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बसंती का मुझे तो लगता है बसंती परेशान है, बसंती का सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।